बच्चे लोग थोड़ा दूर रहो। बच्चे लोग मैंने तेरा हाथ तोड़े ला, और किसी को बताया तो तेरी टांग तोड़ नाखूंगा। हिंदी खोल दो, चले चल बे चल। इधर क्या देख रहा है? नोटबुक निकाल। बेटा कमल, तुम्हारा होमवर्क कौन करता है? माँ। खाना कौन खिलाता है? माँ। और धोता कौन है? शक्तिमान माँ। मिंटू, फैसला तुम्हारे ऊपर है। कमल का होमवर्क कौन करेगा और धोएगा कौन? ये लो, कर लो फैसला। सुनिए, एक मिनट। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? अरे सांप उसके गले से पकड़ा, आसमान जोर जोर से घुमाया और दूर फेंक दिया। इतना भागे तो उसने भागा क्यों? अबे वो तो मैं दीदी मुंह में गोता लग गया था। देखिए उस पर टाइम प्लीज। अबे यार मैं डर गया था, मुझे लगा तू तो गया। चल ठीक है, आज तो तुम लोग मेरा होमवर्क करना। ठीक, होमवर्क करने से अच्छा धोना। ठीक, तू तो धोएगा ना, होमवर्क करेंगे। साफ़ को बोलना कल मैं सवेरे 8:30 बजे आऊँगा। ठीक। आ जाओ। हाँ शुक्रिया, सब मुबारक। संध्या जी। सर सुनीता के लिए वोटर आईडी बनवानी है। जी सर। उसके लिए एनओसी चाहिए, तो अपने पापा से बात कर लोगी? जी सर, पापा 9:30 बजे तक घर पे ही रहते हैं, तो उससे पहले आप कभी भी आ जाइए। आज दिन कौन सा है? सर बुधवार। अच्छा बुधवार। पापा just get through. Just beats the one man, the other has to give up.
मैं गाड़ी भेजूंगा तुम। देखा, मुझे तो पहले ही शक हो गया था इन दोनों पर। जरूर कुछ सोचने चाहिए होगी, तभी तो दोनों पुलिस वैन में है। लड़की का बाप पुलिस में, डाल दे होगा सालों को जेल में। वाह, क्या कमाल की लड़की है, अपने से दुगनी उम्र वाले के साथ घूमती है। यार ऐसा कोई और नहीं मिला क्या? बस कालू ही मिला, और एक तू है। हटके धोना सीखा नहीं, चला है प्यार करने। के लिए पानी का संतुलन बने रहना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है तू? मिंटू, यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? कमल अपनी बुक को बुक भूल गया था। जाओ ले लो। ले जाओ, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। वैसे भी अगर अभी कहेगा तो धोते वापस मेरे पास आएगा, और अगर मेरी काम आनेगा तो संदेह के साथ जाएगा। ये क्या कर रहा है तू? अरे मन बुद्धि में तेरे लिए तो कर रहा हूँ। देख, जैसे ही वो ट्यूशन से बाहर आएगी तो उसका चप्पल ढूंढने लगना, और साथ साथ दिल की बात कह देना। ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर सॉल्व करो। हाँ, सुबह आए थे तुम लोग मिंटू और कमल? जी, आज इसकी नोटबुक लेने आए थे। हाथ टूटा, दिमाग नहीं टूटा। दिमाग तो अभी भी चल रहा है ना। नोटबुक निकालो। हाँ सर, ए माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। वेरी गुड। ए टू प्लस बी टू प्लस टू। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या है, जीरो बटा सन्नाटा? शक्तिमान बैठो। ये क्या है, क्या काम किया है? कुछ भी नहीं। इस बार अगर इम्तिहान में फेल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए, तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। चलो सवाल का जवाब दो। एट प्लस ब्रेकेट अट्ठारह बटा छः माइनस दो, बताओ। No. शक्तिमान बैठो, तू बता बेटा। शक्तिमान नो नो नाइन। हाँ, ये देखो, सीखो इससे। जिंदगी भर एक जैसे ही कपड़े पहनता आया, सड़ गए, बदबू मार रही है, हैं? लेकिन देखो, दिमाग देखो, आज भी फ्रेश है। कान पकड़ो, चलो सर। जाओ। मैं क्या? वेरी गुड शक्तिमान। आपने कोड़ा बोला जमीन। हाँ, जमीन जमीन। हाँ, जिम्मेवारी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी जमींदारी नहीं। अबे इस बच्चे को तो पता भी नहीं है कि ये घर पर सोच पा रही है। अला वो चालू है।
देख 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 रहा देख देखना देख 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 जीप जीप बाहर निकाला किस साले ने कैसे बात कर रहा देखो अब देखना देखो देख संध्या कैसे सर ये देख मेरी चप्पल देखी क्या पता नहीं इधर ही कहीं मेहनत तो कर शाम सर चप्पल नहीं मिल रही अरे धूप में निकलाना करो रूप की रानी अरे घोड़ा रंग का लाना पड़ता है बेटा शक्ति मारे धराओ बेटा मैं डांस टीचर हूँ हैं हाँ सर चलो चप्पल ढूंढवाओ अरे बाहर हो क्या रहा है कितनी आवाज आ रही है यहीं कहीं देखो सर ये हाँ नहीं मैंने एक लड़के को तो जाते हुए देखा था अरे कौन उधर एक लड़का भागा था ना उधर उधर ये लो ये क्या कर रहे हो पहन लो तो तुम क्या पहनोगे मैं मिंटू की पहनूंगा अरे रुको मत चलते रहो मिंटू क्या पहनेगा वो आगे निकल लिया होगा मैं जब पहन के घूमेगी ये बहुत बढ़िया ये लो सब चले गए हैं पता नहीं घुसने क्या होगा ये कोहेगा बेवकूफ गधा इसको और कुछ काम नहीं आएगा संध्या ये लो जी सर ये लो मिल गए क्या नहीं सर तो ये पहन लो आ जाओ अब पुलिस कॉलोनी में रहती हूँ ना हाँ तुम्हें कैसे पता लो ये पहन लो सर मिल गई सर अरे वो लोकल कंपनी होगी सर मिल गई अच्छा काम सर थैंक यू आप कहीं जा रहे हो हाँ कब तक आओगे कल सुबह कोर्ट में देखिए शाम को निकलूंगा तो रात तक पहुंच जाऊंगा और इन केस अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो मैं तुम्हें फोन करता हूँ ठीक है मैं सोने जा रही हूँ गुड नाइट गुड नाइट मैं बाहर से दरवाजा बंद कर दूंगा चिंता मत करना लाइट लगाऊंगा संध्या दिखाओ कितना गहरा है लाओ मुझे तो जल रहा है कोई नहीं ठीक हो जाएगा चोट कैसे लगी
जनरेटर ऑन करने बाहर गई थी तो गिर गई। घर पे कोई था नहीं, डर लग रहा था, किसी को जानते भी नहीं हो तो सोचा यहीं पे आ जाऊं। पर पापा ने फोन किया और घर पे किसी ने फोन नहीं उठाया तो? पापा ने बोला कि यहीं पर आ जाओ। पापा ने बोला? हाँ, चल रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ चलो उठो, सो जाते। ठीक है, सॉरी आपको तकलीफ हुई। तकलीफ नहीं नहीं कुछ नहीं, आ जाओ। ठीक है, पानी रखा है पी लेना। ठीक है, ठीक। उठी हुई हो? तो चादर डाल लो, आराम से सो जाओ। ठंड लगेगी। उसको मारा तो नहीं होगा ना? अबे अगर मैं संजय का बाप होता ना तो मैं उस कलियों को जरूर मारता। तू उल्टा क्यों सोचता है? तू बीमार भी हो सकती है ना। अबे तू अपनी अकल लगा, अगर बीमार होती तो कलवा क्यों नहीं आया? दोनों साथ साथ बीमार हो गए क्या? चल जाकर देखते हैं। अबे कमल, तू यहाँ तो लेकर तो आ गया, मगर उसका घर कौन सा है?
तेरे बात में कितनी सच्चाई यार। बहुत ज्यादा। मैं स्कूल जा रहा हूँ, ट्यूशन पे मिलते हैं। याद है तूने कहा था जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को बिना कपड़े में देख लिए तो उसकी शादी हो जाती है, तो तूने उसे बिना कपड़े में देख लिया? हाँ। अबे अब तो तेरी शादी पक्की, अब तो तेरी बीवी है। पर तूने तो कहा था कि जब तो एक दूसरे को देख नहीं लेते, मगर तुमने देखा तो होगा ना? अबे वो तो मैंने भी देखा है, तेरी माँ ने भी देखा है। वो देखना देखना नहीं होता। देखना मतलब पूरा देखना। अब तो एक ही रास्ता है तेरे प्यार पाने का, तुझे उसके सामने बिना कपड़ों के जाना होगा। कुछ करना मिंटू, अब तो मुझे कुछ करना होगा। शेक्सपियर ने कहा है, द गॉड ऑफ लव इज ब्लाइंड, ही सीज फ्रॉम द हार्ट नॉट माइंड। सामू तुझे मारेगा। In the life, you should let money run after you, not you after money. क्या बे, पूरे मोहल्ले का साफ करके लिया है क्या? ट्यूशन फीस है। साइड में जा, चल। इसने भर लिया पूरा पैसा, भर लिया इसने पैसा। भाई शक्तिमान, तू पकड़ अपने कान। अरे क्या लगा रखा है? चल चाय बना के ला। चल हटाओ, किताब निकालो। चलो। अरे यार शाम का मतलब क्या? अबे संध्या, चुप, बहुत जबान चलती है तेरी। कल मिले फिर। 12, 13, 14, 15, 16 निकालो निकालो। अबे कल का प्लान तो कल्लू ने बिगाड़ दिया, मगर इस बार नहीं। कमल तो सुन रहा है ना? कहाँ गया? और पति देव कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है। किसी दिन बुलाओ खाने पे, बुलाओ। हैं? पति देव कुछ तो नहीं बोलेंगे? खाना वाना खा लिया था आज? एक मिनट लग जाएगा पागल।
उतार और जा उसको नीचे डाल ले पागल आजा आजा साइकिल साइकिल देख साइकिल देख ये नहीं अभी ये नहीं हवा निकालता है हवा भर किसने निकाल दिया हवा भर हवा भर मुर्गा बन मुर्गा बन मुर्गा मुर्गा बन मुर्गा बन ट्यूशन में आतू अरे तेरी सो गिन सो फंस गई हूँ पानी नहीं है पानी जल्दी चल जल्दी चल अरे भागो भागो अरे अर्चना मूड ठीक नहीं है क्या आपने मुझसे झूठ बोला आपने कहा कि आपका और मिस का कोई संबंध नहीं है ये संबंध मन की बातों में तुम क्यों पढ़ रही हो ये बड़ी बातें हैं तुम्हारे समझ नहीं आएंगी ठीक है देख देख छोटों के साथ ही रहूंगी बड़ों की बकवास सुनने से तो बेहतर ही है ना आप तो वैसे ही झूठ बोलते हो पापा के पास तो टाइम है नहीं और मम्मी तो वैसे भी छोड़ के जा चुकी है तुम्हारे मम्मी पापा की क्या टेंशन रही हो तुम्हें बता नहीं सकता वैसे तुम तो इतनी प्यारी हो पता नहीं क्यों छोड़ के चली गई मम्मी मैं तो मम्मी हूँ नहीं तो पापा हो ना पापा भी तो कौन हो क्या हुआ खाना अच्छा है मेरा नहीं अच्छा आपकी ट्रिप कैसी थी कोर्ट कचहरी का चक्कर है 24 को फिर जाना पड़ेगा क्या हुआ बस पेट भर गया मैंने अपने ऑफिस में बात कर ली है अगले साल हम शहर निकल जाएंगे अगर तुम 10वीं वहां से करोगी तो कॉलेज में एडमिशन लेना आसान होगा तुम्हारे पापा के कपड़े डर लगता है भाई आगे तो वहां ले मेरा कमरा तुम ऐसे कपड़े पहनते हो क्या पापा ला तुम तो बहुत गोरी हो ये तुम्हारे वाले कपड़े लूना देख कर पानी लाओ ना डालो अरे पूरा वो लेकर आओ ना बाल्टी पूरी बाल्टी भारी है Thank you.
क्या क्या था ये? फायरिंग रेंज है, रोज होता है, बंदूक। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि पता नहीं इसमें से कुछ। ये तो ठीक है बिल्कुल, बस थोड़ी सी हवा हवा नहीं है, इसमें कचरा टक गया था। चली नहीं थी ना ये, अब चलेगी? हाँ आराम से चलेगी। सही है तो। अरे ये क्या कर रही हो, जेल भिजवाओगी क्या हैं? आपकी अब चोरी के इल्जाम में नहीं, आपने ठीक किया, आप चला। पता है पापा क्या कह रहे थे? क्या? पापा कह रहे थे कि दसवीं के लिए शहर जाएंगे। ये तो सही है, पिताजी अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? बस पिताजी की पड़ी आपको और मेरी, आपको पता है इसका मतलब क्या है? क्या? मैं शहर चली जाऊंगी, शहर। हाँ तो मैं लूना लेके आ जाऊंगा शहर। पर आपको तो हमेशा मजाक ही सोचता है यार। तुम मुझे सर क्यों बोलती हो? आपकी बीवी के सामने आपको शाम बोलू? हाँ बोल दो। हाँ नहीं नहीं, हाँ ठीक है। अरे चलो अभी जाके उनको बोल के आते हैं। शाम नहीं, चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, अब तो हाँ बोल दिया ना आपने। कोई चक्कर नहीं। मुझे ना तुम्हारी कोई भी स्टूडेंट पसंद नहीं है, और सबसे ज्यादा वो संध्या। सादे से पहले तो तुम भी हमारी स्टूडेंट थी, तभी तो मुझे वो पसंद नहीं है। अरे कुछ नहीं, बेचारी बाहर से आई है, चुप चुप सी वैसे रहती है, घर में अकेली है, फादर कभी कभी आते हैं, बिन माँ की बच्ची है। मेरी माँ का नाम क्या है? तुम्हारी माँ का नाम? हाँ। तुम्हारी माँ का नाम मिसेस गढ़वाल। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बड़ों के नाम नहीं लेते। अरे लाइट चली गई, एक मिनट। कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। हम्म, भागने की रहती। वो मुझे बहुत पसंद करती है। वो ना अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ी लगती है। मैं बोल रही थी शाम सर आपकी शक्ल मुझे बहुत पसंद है। सच्ची। उसने नहीं बोला कि आपका और उसका रंग कितना अलग अलग है? बोले ये रंग तो मुझे बहुत पसंद है, रंग भी बहुत, रंग की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। बोले रंग पे अगर थोड़ी सी भरवा भरवा सी मूछें हो जाए ना तो मैं तो पागल हो जाऊंगी उस दिन। तो उगा लो मूछें और कर लो शादी, फिर मुझे देखना भी मत। मजाक कर रहा था मैं, खाली दिमाग ना शैतान का होता। तेरे के कानों को और कौन पसंद करेगा? नहीं अभी नहीं मानती। तो तेरे धुआं ना कटो, ये बात कर ले संदीप। ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से शरीर में कमजोरी है, ग्लूकोज तो हमने लगा दिया, कुछ अनिमिया टेस्ट कराएं, कल तक शाम तक रिपोर्ट आ जाएंगे। नहीं भर्ती हुए क्या? हाँ सर, तो शाम तक रिपोर्ट आ जाएंगे सर। मैंने अभी तुम्हारे बारे में इससे बात नहीं की है, मुझे पहले बात करनी था।
बात करने का टाइम आ गया। किसके लिए? शादी के लिए। मेरी शादी? अरे मेरी शादी और संध्या की शादी यार। संध्या की और तेरी? ये मुझे कलवा होने देगा? वो से प्यार करता तो दवा खाने नहीं आता। और होगी वीर ना मुझे दे देगा हाथ। किसका? संदेह का। और किसका? मुझे लगा नीलूगा। बेटा तो ये बच्चा है, तू नहीं समझेगा। ये बड़ों के मतलब की बात है जो रात को रूम के अंदर होती है। मुझ में क्या कमी है जो मुझसे नहीं उससे प्यार करती है? हिम्मत नहीं है तेरे में, समझा बेटा? अस्पताल नहीं आया तो नाराज है? सुनीता मिस होंगे ना, आप कैसे आते? मुझे पता है तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाई ना कुछ दिनों से, तो ये लो। ये क्या है? एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पेपर है। मुझे नहीं चाहिए। तो अंदर आने दो। नहीं सर, सर अभी पापा आने वाले। नहीं 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 सर, पापा भी आने वाले, प्लीज जाइए यहाँ से। एक मिनट की बात सुनो तो सही। नहीं नाराज हो क्या? आप प्लीज जाइए यहाँ से। उसके पापा तो नहीं हो ना घर पे? वो तो उनकी जीप नहीं होती, घर में कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यार। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? क्या कर रहे यहाँ पे? मुझे बात करनी है। क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आपका जॉब है तो उस दिन हरा कपड़ा पहन के 4 बजे मिलने का जाना। मैं तो 4 बजे मिलने को कहा था, फिर दो बजे उठ। तेरा कुछ नहीं हो सकता यार कमल। अच्छा ये बता तूने कपड़े कहाँ चुराए? अबे बता ना कहाँ चुराए? अबे बता ना कहाँ चुराए? संध्या हो ना, बड़ी तारीफ करते हैं तुम्हारी। नीनू आई थी आपको छोड़ने, ये देखकर गई है। कौन है वो? दोस्त है मेरा। 24 तारीख है ना, आपको कोर्ट जाना होगा आपकी सुनवाई के लिए। नीलू अच्छी है, ख्याल रखेगी तुम्हारा। देखो मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन सही वक्त नहीं मिला। हम कई सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। मैं स्कूल जा रही हूँ। तुम्हारी सही उम्र का इंतजार कर रहा है संध्या। मैं लूना लेके जा रही हूँ। संध्या, संध्या
कॉपी दिखाओ। स्कूल के बाद इलेक्ट्रिक मिल्स के पास मिलता है। सर को वो होमवर्क वाली नोटबुक देने आई हूँ। रात को ही पढ़ाई याद आती है, कल सवेरे आना। तुमको क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा पता नहीं किसी के घर में भी आ जाते हैं आजकल। कोई कुछ है ही नहीं, मतलब पता नहीं माँ बाप क्या सिखाते हैं बच्चों को। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, संध्या आई थी, भगा दिया मैंने उसको। देख लेना ये लड़की ना मुझसे पिट जाएगी एक दिन। पता नहीं पागल हो गई क्या लड़की। अच्छा क्या तुमने? हाँ भाई, पैर हटाओ थोड़ा सा। तो मेरे पे गुस्सा क्यों निकाल लियो? अरे तुम पर नहीं, मैं उस पर गुस्सा उतार रही हूँ। अच्छा तकिया तो दे दो। आराम से रहा करो, पूरा खून साफ हो गया तुम्हारा। आराम से ही रह रही थी। आज कहाँ मिले? सेंट लगा के आना। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। आज लंच कर लो। रुको रुको रुको, उनको जवाब नहीं दिया, उसी में आया था हमारी लहरा सेट बनके। आइंदा से मेरा रास्ता रोका ना तो पापा से बोल के पुलिस में भर्ती करा दूंगी। रुको रुको, पर मिंटू ने बताया मैं तुम्हें जगह बताना ही भूल गया।
अच्छे से लगाओ, करा दम लगाओ, जोर से करो, जोर से। जब पापा लगाते हैं ना तो इतनी जोर से करते हैं कि जो कमजोर बाल होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। पापा थोड़ा ही अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो मालिश करने आया था क्या? फिर क्या कर रहा है? स्वीटी, खाना कैसा लगा? इस बार का खाना खाते खाते थक गई थी। ऐसा नहीं लग रहा, तुम शर्मा रही हो, अच्छे से नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा, वाकई अच्छा खाना बनाया। और संध्या कैसी लगी? अरे कुछ बोलती नहीं है। बोलेगी, बहुत बोलेगी अभी शायद। बड़ी प्यारी है, तुम्हारी जैसी है। दादाजी अच्छे से बनते क्या ना? हाँ हाँ, चलो भी ऐसा हाथ उठा, दोनों हाथ उठा, अबे दोनों हाथ उठाना, अब एक हाथ ऊपर कर, पूरा ऊपर कर। हाँ ये हो गया कुछ बात, अब टांगे खोल, अबे थोड़ी इतनी से खोले टांगे। अगर तेरे को संध्या शादी करनी है नहीं, हाथ ऊपर और टांगे खोल। हाँ बिंदास, अब हंस खोल, तेरी शादी तो पक्की है, लेकिन ये फोटो धुलवाएगा कहाँ? शहर में और कहाँ, जब संध्या भी आप फोटो देख लेगी ना तो मैं अब शादी को रोक नहीं सकता है। तू चलेगा शहर? नहीं यार, अम्मी मारेगी। सॉल्व की क्या मुझे? आपसे जरूरी बात करनी थी। बात भी तो कर सकती थी, पानी की टंकी के पास आई। हाँ 10 मिनट बाद में। अभी महीना नहीं हुआ है मुझे। क्या महीना नहीं हुआ है, यही कहना चाहती थी। शहर जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी क्या? जी सर। माधुरी दीक्षित बनने आई हो, अनुशासन नहीं है?
अनुशासन नहीं है। इधर श्याम सर, प्लीज श्याम सर, चलो इधर इधर। माधुरी दीक्षित बनेगी? क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आपने इन दोनों को इतना नहीं मानना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अगर इन दोनों ने अपने घर पे बता दिया तो मुझे आपको रेस्टिगेट करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप कुछ दिनों के लिए स्कूल मत आइए। सर थैंक यू सर, बेटा साफ कर ले। हाँ जाओ। आप यहाँ बैठिए। हाँ वहाँ बैठ। नाम क्या है? संध्या। संध्या शर्मा। उम्र? 15 दिन 18 साल। ओके, क्या प्रॉब्लम है? फीमेल वाली प्रॉब्लम है। महीना नहीं हुआ, लास्ट कब हुआ था? पिछले महीने 18 20। नीलू जी फॉर्म देना इनको। हाँ जी। देखिए दो तरीके होते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के, जो भी ठीक हो वो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए और वापस मेरे पास लाइए, तब तक मैं इनका चेकअप करती हूँ। तो आप बाहर बैठ जाइए। हाँ जो भी ठीक हो वो कर लीजिए। तो इस ये मेरी साली है, इसके जो हस्बैंड है बाहर रहते हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि बच्चा बच्चा हो, तो जो भी ठीक सा लगे आप कर लीजिए। ठीक है, आप बाहर बैठिए। कौन लगते हैं आपके? जीजा जी। कर देना खाली। तो तुम्हारी दीदी क्यों नहीं आई साथ में? ऐसे वक्त पे उनको आना चाहिए ना। देखो सच बताओ, तुम पर कोई दबाव तो नहीं है? आईडी कार्ड दिखाना अपना। जी मैडम, ये मेरे गांव से है। अच्छा, साल पहले ही शादी हुई। अच्छा जानते हो आप इसको? जी जी जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब। अरे देखिए मुझे लगता है उनका सिर्फ पीरियड्स डिले हुआ है, आप लंच के बाद एक बार रिपोर्ट्स कंफर्म कर लीजिए।
जब भी जरूरत हो तो मुझसे बात कर सकती हो, ठीक है? सुनीता को क्या बोलोगे? कहाँ गए थे? बोल देंगे शहर गए थे साड़ी लेने। साड़ी कहाँ है? सुनीता कहाँ है? सुनीता तो घर पे, साड़ी कहाँ है? अरे क्या, अब वो डर गया था ना? कौन? मैं? मैं क्यों डरता? डरना तो मुझे चाहिए था। पता है वो नर्स कौन थी? कौन थी? नीनू आंटी। नीनू आंटी वाले बताया था। वही थी। नहीं, वो तुम्हारे पापा को नहीं बोलेगी? बोल देगी वो? कुछ नहीं बोलेंगे, बोलना होता तो अभी तक बोल देती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और कह रहे थे डर नहीं लग रहा? अरे वो कभी काओ काओ क्या हो गया? अरे नहीं बोलेंगे। तुम्हें नहीं लगता डर? प्यार क्या तो डरना है। से चली जाओगी? हाँ। कुछ बात करनी थी। एक आज के बाद हम लोग नहीं मिलेंगे, मतलब एक टीचर और स्टूडेंट का नाता होता है इतना ही रखेंगे, उससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। और भाई दूसरी बात यह है कि माफी चाहता हूँ, शादीशुदा आदमी हूँ, जिम्मेदार हूँ, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, मतलब आप भी किसी को नहीं बोलोगे, मैं भी किसी नहीं। बाकी सौ बात की बात यह है कि भाई आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बीजगणित कमज़ोर है आपका, और मुझे भूल जाओ। ठीक। सुनो सर, हाथ छोड़े हुए दिख रहा है। देख देख सात आठ बजे तक पहुंच जाना वरना वो चली जाएगी। तो क्या वो डॉक्टर संजय का आ गए? नहीं, कहाँ आए अभी, लगता है दो तीन दिन और लग जाएंगे, सब कुछ कैंसिल हो रहा है उनका। देखते हैं अभी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनकी। ये है वो हीरो जो उस दिन संध्या को हॉस्पिटल लेके गया था। हाँ हाँ, मैं थी तो वहाँ। तुम्हारा दोस्त है? घर पे। घर पे? और तुम किसके साथ आए हो? अकेले। अकेले? हमें आओगे?
थोड़ा सा थोड़ा खा लो बेटा। मैंने अपनी ट्रांसफर की एप्लीकेशन डाल दी है, शायद 15 दिन में जवाब आ जाएगा। अच्छा। तुम्हारा एग्जाम कब खत्म हो रहे? अभी तो अप्रैल चल रहा है ना, मई तक हो जाना चाहिए है ना। खाओ बेटा पनीर खाते रोटी डालो। क्या पियोगे? कोक कोक लेते हो? मैं पानी की टंकी के पास पानी पी रही थी, शाम से भी वहीं पे पानी पी रहे थे, और फिर वो दो लड़कियां आईं और पानी से खेलने लगीं तो थोड़ा पानी सर के ऊपर गिर गया। फिर सर ने उनको बुलाया तो वो भाग गई। फिर क्या हुआ? वो घबरा के भागी थी तो वहाँ पे जो पत्थर थे वो गिर के पत्थर से चोट लग गई। जब तक सर आया तब तो उनके खून निकल रहा था। मैं जाऊं सर? टाइम देखा है तुमने? बस वो शाम सर से जरूरी बात करनी थी। कल सवेरे आना, अभी जाओ यहां से। पर सुनीता मिस, उठो शर्ट दो, गंदी हो रही है। काम कर अपना, चल पैर उठाओ। फिर ज्यादा जबरदस्ती मत कर। सुनो, मैं सोच रही थी कि डॉक्टर को दिखा दूं। दिखा दे, शादी को इतना समय हो गया है, गांव में बात चल रही है। बच्चा हो जाता तो हमारा परिवार हो जाता, आप में तो कोई खामी होगी नहीं, मुझ में ही होगी। हाँ तो इतनी तनख्वाह नहीं मिलती मुझे कि मैं तीन लोगों को पाल सकूं। ये इसको मैथ्स में सबसे ज्यादा नंबर मिलने पे इनाम मिला। देखो माफ कर दो मुझे, उस लड़की ने मुझे फंसाया है। मैंने इसलिए नहीं बताया कि तू छोड़ के चली जाएगी मुझे, दरअसल शक में तू घर छोड़ के जा रही है। हैं? मैं बताने वाला था सच्ची तुझे, इसलिए नहीं बताया था कि तू कहीं क्या कर रही है ये सब? अच्छा भरना है, ये ले जितने कपड़े भर ले, ठीक है। जा कहाँ रही है तू? हैं? जा कहाँ रही है? क्यों जा रही है? आखिर हो क्या? जरा सी बात के चक्कर में जा रही है, ये क्या मतलब हुआ? हैं? सारी शादी करके लेके आया हूँ, भगा के नहीं लाया हूँ। भूल गई सारी बात? हैं? नाश्ता कराता था तुझे उधार लेके जब पैसा नहीं होता था, ऐसे कैसे छोड़ के चली जाएगी तू? जाना चाहती पैंट पहन लो, चलता हूँ तेरे साथ। जहाँ जाएगी वहाँ जाऊँगा, नरक में जाएगी नरक में जाऊँगा,
स्वर्ग में जाएगी, स्वर्ग में जाऊंगा। अच्छा सुन, एक मिनट, जहाँ जाके नहीं जाऊँगा तेरे साथ। हैं, इतना प्यार करता था तुझे, भूल गई सारी बात? हैं, नाश्ता करवाता था उधार ले लेके तेरे से। एक बात सुन, पैन कर ले, जहाँ जाएगी नहीं जाऊँगा तेरे साथ। जाना है तुझे, जाना है, जा चली जा, ले मेरी लाश पे सुधर के जा, जा चली जा। शर्म नहीं आए हैं? शर्म नहीं आए तुझे? देख लोग, सब लोग क्या देख रहे होंगे, सब लोग देख रहे होंगे। हैं, शाम टेकचंद नाम है मेरा, पूरे गांव में इज्जत है, टीचर हूँ, हमारी फैमिली इज्जतदार फैमिली है, समझा करना। लोग पता नहीं कौन कौन लोग देख रहे होंगे, आवाजें सुन रहे होंगे, थोड़ी सी तो शर्म कर। हैं, ऐसा क्या गलती करते, कोई पहाड़ तोड़े? अच्छा सुन, पैंट पहन, एक मिनट रुक, एक बात सुन, अगर आपके चले गए ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी, घर में नहीं घुसने दूंगा। ये क्या बखेड़ा बना रखा तूने, पर मतलब थोड़े ही है। नमस्ते, कैसे भैया, सब ठीक है? वो जॉन्डिस हो गया इनकी अम्मा को, इसके जा रहे हैं। क्या बात है, गांव में इज्जत है हमारी, समझ में नहीं आता क्या क्या ड्रामा कर रखा है। ट्यूशन के लिए जा रहे सुनेगा। तेरी वजह से क्या हुआ है? बता, तुझे तेरी वजह से क्या हुआ? सुनीता घर छोड़ के चली गई, कहा था ना दूर रही हो मेरे से।
क्या हरकत करे जब भी पास चलाता हूँ तेरे। पुलिस स्टेशन में झूठ बोलने की जरूरत क्या थी तुझे है? क्या जरूरत थी? सच नहीं बोल सकती थी क्या तू? बता, सच नहीं बोल सकती थी? जो मुझे ठीक लगा मैंने, तुझे ठीक लगा, जो तुझे ठीक लगा वो करेगी तू है? डरता नहीं किसी से मैं, कोई भी हो चाहे, कम से कम सच बोल देती, नफरत करने लगता तेरे से मैं, समझी? जो मुझे लगा वो करेगी तू? घाटा से बाहर ही अभी टाटस में बारी है। चल ठीक है, सॉरी 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 है। एक बात कहूं, तुम्हारे और तुम्हारे पापा की दोनों की चॉइस बहुत बुरी है। बड़ी अकड़ में गई थी, आ गई हराम की जनी।
पूरे घर को फैला के रखा हुआ है, पेड़ पे नहीं लगते पैसे, क्या कर रखा है सब साथ तूने, हैं? पूरा जगह फैला रखा, आग लगा दे घर में, हैं? क्या है ये सब, क्या चाहती, क्या है तू? बदबू कैसी आ रही है ये टट्टी? खा लो। अब टट्टी भी करना शुरू कर दिया, बीच बाजार में जाके हक दे, हैं? इज्जत बढ़ जाएगी मेरी बहुत। खा लो। बच्ची है तू, तू खा, तेरी आदत खत्म हो जाएगी हकने की। ये फोटो लो और भागो यहाँ से। चलो भागो। ये तो वहां कब खींचा था ये? क्या हुआ ये टुकी? अरे कुछ नहीं, वो लूना से गिर गई थी। जाओ बेटा ध्यान से जाओ। तो सवाल यह था कि समानांतर ABCD चतुर्भुज बनाइए जिसका AB। टेप चल रही है, कैसे लगी? अरे चला, साइकिल से गिर गया था। AB 6 सेंटीमीटर हो, BC 4 सेंटीमीटर और ABCD कितना होगा? अरे ऊपर रखो इसको। तो सवाल पर जवाब ही नहीं देगा सवाल किसी बच्चे से। There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find. पहले ये पिलो, फिर पढ़ना, ठंडी हो जाएगी। So often his eyes would shut in. क्या ये? कर। और है कोई? अरे इसको ठीक से करो। अरे रखो साला, कांच का सामान है इसमें। मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। पापा को काम से फुर्सत नहीं थी और अपने अकेलेपन से जूझते जूझते मैं बड़ी हुई। फिर मेरी जिंदगी में एक लड़का आया, लग रहा था कि वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, मुझे संभाल के रखेगा। नहीं, वो भी छोड़ के चला गया। उसके जाने के बाद मैं डिप्रेशन में आ गई। एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ, गोलियों से नींद बहुत आती थी और जागो तो भूख बहुत लगती थी। बस यही चक्कर में मैं मोटी हो गई। शायद अच्छे से पढ़ लिख लिया होता तो मैं भी आज डॉक्टर होती। खैर चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं आपको हक कर सकती।
मेरे शक की सुई तो इन भड़दंगे पे घूम रही है। तेरी क्या राय है? अब तो बता दे तेरा शक किस पे। चप्पल भी नहीं मिल रही, वो ब्लू वाली नई शर्ट भी पता नहीं कहाँ गई। तूने दबंग देखी है? क्रिकेट देखने गया था। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। शामू 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 ए मिंटू कमल भाई रुक रुक हराम जादे रुक। Thank you.